हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त सतपाल गोदारा। आज 28 दिसंबर है और अपने हमेशा की तरह इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए एक और न्यूज़पेपर एडिटोरियल के साथ हाजिर हूँ। आज द हिंदू से अपना जो एडिटोरियल आ रहा है उसमें क्या क्या टॉपिक रहने वाला है और क्या कुछ खास उसमें अपने चर्चा होने वाली है, तो एज इट इज अपने इसमें डिस्कशन करेंगे। वोकैबुलरी जिसमें सिमिलर और ऑपोजिट वर्ड सीखेंगे, साथ ही साथ अपना रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करेंगे और करंट इश्यूज में हमने जो आज का टॉपिक लिया है इसमें कुछ नए जो मुद्दे चल रहे हैं तो वो है और देखते हैं। एक तो पार्लियामेंट का जो सेशन हुआ उसमें विंटर सेशन 18 दिन तक चला, उसमें लगभग 100 लोकसभा से और 50 के लगभग 40 के लगभग सांसद है जो राज्यसभा से सस्पेंड कर दिए गए और 3 महत्वपूर्ण कानूनों में परिवर्तन किया गया, तो इसको लेकर के है जो आज का मुद्दा रहने वाला है। तो देखते हैं, पहला शब्द आ रहा है वोकैबुलरी में एडजॉर्न। एडजॉर्न वर्ब है स्थगित करना, एडजॉर्न करना, स्थगित करना। सेकेंड फॉर्म है स्थगित, स्थगन, तो एडजॉर्न है स्थगित। टू स्टॉप ए मीटिंग और ट्रायल एटसेट्रा, कोई बैठक या ट्रायल आदि को रोक देना। फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए। एंड स्टार्ट इट लेटर अगेन, और उसको बाद में फिर से शुरू करना। तो पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा है, बैठक चल रही होती है, तो उसको हाउस को एडजॉर्न किया जाता है, यानी कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, ये रद्द किया हुआ नहीं है। तो एडजॉर्न साइन ए डाई, अनिश्चित काल के लिए एडजॉर्न होगी पार्लियामेंट लोकसभा या राज्यसभा। सो प्रोरोगेट या सस्पेंड या पोस्टपोन, स्थगित करना, सस्पेंड करना, प्रोरोगेट करना सिनोनिम हो गए। रिज्यूम फिर से शुरू करना, रीस्टार्ट ये पूरा कर दे, और रीन्यू ये क्या हो गया, इसके एंटोनिम हो गया। पुनः शुरू करना, फिर से बहाल करना। द चेयरपर्सन हैज एडजॉर्न द मीटिंग, चेयरपर्सन अध्यक्ष महोदय ने मीटिंग को क्या किया, एडजॉर्न कर दिया, स्थगित कर दिया, ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। तो बहुत ही साधारण सा है, बहुत बार शब्द काम में आने वाला है, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। दूसरा शब्द आज का क्लैमर, क्लैमर शोर मचाना, यही वो शब्द है जिसके कारण लगभग 150 सांसदों को है जो धनखड़ साहब ने और बिरला जी ने सस्पेंड कर दिया। शोर मचाना, कोलाहल करना, क्लेमर करना, शोरगुल करना। टू डिमांड समथिंग इन ए लाउड एंड एंग्री वे, बहुत ही जोर और नाराजगी पूर्ण तरीके से कोई मांग रखना। अप्रोयर और कैकफनी, बहुत ही कोलाहल करना, शोरगुल मचाना, जो अराजकता की स्थिति कर देना। साइलेंस और काम, शांत रहना, इसका एंटोनिम हो जाएगा। ओके, सो ए क्लैमर आउटसाइड वॉक देम इन द नाइट, बाहर है जो बड़ा क्लैमर था, शोरगुल था, इससे वे क्या रात को जाग गए, रात को उनकी नींद भंग हो गई। तो क्लैमर है जो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। इम्प्रीमेच्योर, इजाजत, अनुमति, आज्ञा, इजाजत देना, अनुमति देना, आज्ञा देना, ये तब होता है जब आपके पास कोई अथॉरिटी होती है। जैसे हाउस चल रहा है तो हाउस में स्पीकर के पास में या चेयरपर्सन के पास में क्या होती है, इम्प्रीमेच्योर होती है, इजाजत होती है, अनुमति होती है, उसके पास अथॉरिटी होती है ऐसा करने की, इजाजत देने की। सो अप्रूवल और सैंक्शन, सहमति देना। सो परमिशन और कनकॉर्डेंस, आज्ञा। डिसअप्रूवल और रिफ्यूजल, इनकार करना, इनकार करना, तो ये क्या हो जाएगा इसका, इनकार कर दिया है जो, डिसअप्रूव कर दिया तो इनकार करना। व्हेन ही सस्पेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसॉल्व द पार्लियामेंट, जब उसने जो संविधान को सस्पेंड किया और संसद को भंग किया, ही हैड द इम्प्रीमेच्योर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, तो उसके पास सैन्य जो बल है, उस आर्म्ड फोर्सेस है, सशस्त्र बलों की क्या थी, इजाजत थी, अनुमति थी। तो ऐसा पाकिस्तान में होते हुए हम देखते रहते हैं, तो ठीक है। ऑब्स्टिनेसी, हट धर्मिता, हट जिद जिसे अपने कहते हैं। द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग ऑब्स्टिनेट, तो जिद करने की स्थिति अवस्था, गुण स्टबर्ननेस, हट धर्मिता,
स्टबर्नेस और इनफ्लेक्सिबिलिटी, जब आप फ्लेक्सिबल लचीलापन बिल्कुल नहीं हो तो इनफ्लेक्सिबिलिटी हो गया कठोरता, तो आपके व्यवहार में काम में कठोरता है तो यू आर इनफ्लेक्सिबल होते, स्टबर्नेस होती है, सबमिसिव या मिल्डनेस नम्यता, ये इसमें क्या होती है नम्यता, नमन होना लचीलापन होना, ये इसका क्या हो गया लचीलापन इसका एंटोनिम हो गया। सो सी ऑब्स्टिनेसी एंड प्रिवेंटेड हर फ्रॉम अपोलोगाइजिंग, तो जिद के कारण उसने है जो अपोलोगाइज करने से है जो अपने आप को रोक लिया, जिद के कारण वो क्षमा याचना नहीं कर सकी केवल उसी के कारण। नेक्स्ट इनफेलिबिलिटी, इनफेलिबल जो अचूक हो जिससे कोई गलती होने की संभावना नहीं हो, इनफेलिबल। सो रिलायबिलिटी जिस पर निर्भरता हो सके, तो निर्भरता है। सॉलिडिटी और श्योरनेस एकदम सुनिश्चित होना, फेलिबल और फॉल्टी है जो गड़बड़ की संभावना होना, तो ये जिसमें गड़बड़ी हो सके जो गलत हो सके चूक हो सके, तो ये इसमें हम दे देंगे चूक होना, क्या होना चूक होना, तो जिसमें कोई गलती होने की संभावना हो दैट इज फेलिबल फॉल्टी गलत। सो हर स्टबन बिलीफ इन हिज ओन इनफेलिबिलिटी केप्ट हिम फ्रॉम लिसनिंग टू अदर्स, तो उसका एक स्टबन बिलीफ था, एक कठोर विश्वास था कि वो अपने आप में अचूक है, तो इसी बात ने उसको है जो दूसरों की बात सुनने से क्या रखा दूर रखा है जो केप्ट हिम फ्रॉम लिसनिंग टू अदर्स। सो हिज स्टबन बिलीफ इन हिज ओन इनफेलिबिलिटी केप्ट हिम फ्रॉम लिसनिंग टू अदर्स, तो दूसरों की बात वो नहीं सुनता था, उसको भरोसा था कि वो एकदम इनफेलिबल है। दीन इलाही जो अकबर ने शर्म धर्म शुरू किया था उसने कहा था कि मेरा धर्म है जो इनफेलिबल है, इसमें कोई गलती नहीं है। सो लिमिनरी प्रकाश ग्रह चमकदार ख्यातनाम प्रख्यात, जो बहुत ही प्रसिद्ध हो प्रख्यात, ए पर्सन ऑफ प्रोमिनेंस और ब्रिलियंट अचीवमेंट, वो प्रमुख व्यक्ति जिसने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हुई है, तो शाइनर और डायना, तो उसका मतलब भी क्या होता है यानी ये चंद्रमा की तरह होता है, क्या होता है चंद्रमा की तरह, चंद्रमा चमकदार होता है तो डायना शाइनर चमकने वाला, क्योंकि इंग्लैंड की प्रिंसेस थी डायना हेडन। सो प्लेब और नबडी एंटोनिम हो जाएगा धुंधला। सो वेरियस लीडिंग लिमिनरीज ऑफ द आर्ट्स वर इन्वाइटेड, तो कला के क्षेत्र के बहुत से ख्यातनाम लोगों को, अग्रणी ख्यातनाम लोगों को इन्वाइट किया गया, ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्ट, रिफ्ट का मतलब होता है दरार, किसी के साथ अनबन हो जाना, संबंधों में दरार आना रिफ्ट कहलाता है। नाउन है ए सीरियस डिसएग्रीमेंट बिटवीन फ्रेंड्स ग्रुप्स एटसेट्रा, तो दोस्तों में समूह में है जो एक बहुत ही गंभीर असहमति हो जाती है तो उसे दरार आ जाती है, इंटरस्टाइस या कैविटी, तो इसे भी हम दरार कहेंगे। क्लोजर या क्लोजिंग एकदम बंद, तो आपके बीच में कोई भी पैसेज नहीं है तो वो है जो आप बंद कर दिया है संबंधों को या दरार को। सो द फाइट विल ओनली वाइडन द रिफ्ट विद दिस ब्रदर, तो अगर आप लड़ाई करोगे उसके भाई के साथ है जो संबंधों में दरार केवल बढ़ेगी, यानी दूरियां बढ़ेगी संबंधों की रिलेशनशिप की, तो रिफ्ट हो गया। साइनेडाई, साइनेडाई एडवर्ब है, अनिश्चित काल के लिए स्थगन करना, तो एडजर्न साइनेडाई, तो अनिश्चित काल के लिए यहां तक आता है, और एडजर्न का मतलब होता है स्थगन, तो अनिश्चित काल के लिए साइनेडाई, तो द हाउस वाज एडजर्न साइनेडाई, तो हाउस को एडजर्न कर दिया गया साइनेडाई अनिश्चित काल के लिए, विद रेफरेंस टू बिजनेस और प्रोसीडिंग दैट हैव बीन एडजर्न विद नो अपॉइंटेड डेट फॉर रिजम्पशन, तो कोई सदन की कार्यवाही है उसके संबंध में बैठक आदि के लिए ये प्रयोग किया जाता है, जिसमें विद नो अपॉइंटेड डेट फॉर रिजम्पशन की वापस शुरू होगा उसके लिए कोई डेट पहले से तय नहीं की जाती है, तो हाउस को है एडजर्न कर दिया स्थगित कर दिया, बट साइनेडाई फिक्स टाइम और दिनांक नहीं होती कि पता नहीं कब उसे वापस शुरू किया जाएगा। सो द केस वॉज एडजर्न साइनेडाई, तो केस को एडजर्न स्थगित कर दिया गया साइनेडाई अनिश्चित काल के लिए, टाइम नॉट मेंशन्ड। अब देखते हैं जो संसद के अंदर है जो
बहुत सारे विपक्ष की जो सांसद है उनको निलंबित कर दिया गया विंटर सेशन के अंदर, इस पर है जो एडिटर्स ने अपनी राय रखी है। तो सबसे पहले आप अपने पैराग्राफ को देख लीजिएगा, मैं एक एक करके इसको है जो यहाँ रख रहा हूँ, आप इनका है जो स्क्रीनशॉट ले लें और पहले पूरा पढ़ लें इसको ढंग से। तो सबसे पहले आप है जो इसको पहला पैराग्राफ देख लें, ओके। अब आप इसके सेकंड पैरा पे आ जाएं, इसको अच्छी तरह से पढ़ लें पूरा लास्ट तक, 46 ऑफ द राज्यसभा से लेकर के सस्पेंडेड तक। उसके बाद में आप अगले पैराग्राफ में आ जाएं, द चेयर्स ऑफ बोथ द हाउस से लेकर के कन्फ्लिक्टिंग व्यूज तक, आप इसको लगातार पूरा पढ़ें बिना पॉज रुके हुए। अब आप इस पैराग्राफ को द गवर्नमेंट रिफ्यूज लेकर से रूलिंग पार्टी तक पूरा पढ़ें, इसके बाद में इस लास्ट पैराग्राफ को आप पूरा पढ़ें। तो इसको आप ढंग से एक बार एक साथ देख लें और उसके बाद में है जो, अब ठीक है मैं वापस लिए चलता हूँ आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपने इनका स्क्रीनशॉट करके या पॉज करके देख लिया होगा। अब मैं जो इसको पूरा लाइन टू लाइन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ विशेष बात इसमें रहने वाली है। तो ठीक है, तो दोस्तों करते हैं शुरू। द लॉ ऑफ नंबर्स, तो ये तो है भी संख्या बल का खेल है, बीजेपी के पास अभी संसद में बहुमत है। सो लॉ ऑफ नंबर्स, तो ये तो संख्या का कानून हो गया। ऑन द विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र एंड द लॉ इन इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और भारत के लोकतंत्र में एक जो लॉ हुआ है, एक थोड़ी सी अप्रिय घटना हुई है उस पर भारतीय लोकतंत्र के अंदर। सो द गवर्नमेंट शुड नॉट यूज द मेजोरिटी टू रश थ्रू लेजिस्लेशन, तो सरकार को क्या करना चाहिए, अपने बहुमत का प्रयोग विधायन करते समय, लेजिस्लेशन करते समय, लेजिस्लेशन विधायन, तो विधायन यानी कानून बनाते समय अपनी मेजोरिटी का है जो क्या है, रश थ्रू नहीं करना चाहिए, आनन फानन में है जो कानून नहीं बनाने चाहिए। So the 18-day winter session of parliament that was adjourned sine die on December 21st marked a new law in India's parliamentary democracy as the ruling Bharatiya Janata Party refused to engage with the opposition, evaded executive accountability and passed a battery of the bills with far-reaching consequences for the country while a majority of the opposition members remained suspended. तो भाई ये बहुत बड़ी बात कहता है। मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स, ओपोजिशन के बहुत से बहुसंख्यक सांसदों को क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। तो ये बात हुई 18वें सत्र के अंदर, तो सॉरी 18 दिन का जो विंटर सेशन चला, शीतकालीन सत्र चला संसद का, दैट वाज एडजॉर्न साइने डाई, जिसे है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। कब? 21 दिसंबर को। मार्क्ड ए न्यू लॉ इन इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसके अंदर भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नई घटना देखी गई। द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, सत्ताधारी बीजेपी ने क्या किया, रिफ्यूज टू एंगेज विद अपोजिशन, अपोजिशन के साथ बहस में शामिल होने से इनकार कर दिया, इवेडेड, वो उसने बचने की कोशिश की, इवेड किया, बचने की कोशिश की, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, जो कार्यकारी जो उसकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जो सरकार होती है वो लेजिस्लेटिव पार्ट में एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल ने है जो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी है, उसकी कार्यकारी जो जिम्मेदारी है, उससे इवेड होने की, बचने की कोशिश की है एडिटर्स के अनुसार। कैसे? अकाउंटेबिलिटी एंड पास द बैटरी ऑफ बिल्स, और काफी सारे बिल है, बैटरी ऑफ बिल्स, बहुत सारे बिल है पास कर दिए हैं, बैटरी ऑफ बिल्स विद फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, जिसके बड़े दूर दूर तक परिणाम होने वाले हैं फॉर द कंट्री, देश के लिए, वाइल मेजोरिटी ऑफ द, जबकि ये बिल पास किए उस समय मेजोरिटी ऑफ द अपोजिशन मेंबर्स, विपक्ष के बहुत सारे सदस्यों को क्या किया हुआ था, रिमेन सस्पेंडेड, वो निलंबित थी, तो उनको निलंबित करके ये काम हुआ। सो इन द फाइनल काउंट, अंततः ए टोटल ऑफ 146 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपी फ्रॉम द अपोजिशन ब्लॉक वर सस्पेंडेड, तो कुल 146 सांसदों को है जो विपक्ष के जो सांसद है उन्हें सस्पेंड किया गया था, वर सस्पेंडेड पैसिव स्ट्रक्चर है यहां पर, तो इतने सारे सांसदों को है जो सस्पेंड करना और फिर तीन कानून बनाना, थोड़ी सी अचरज वाली बात हुई। 46 ऑफ द राज्यसभा, अब इनमें से 46 तो राज्यसभा के थे और 100 ऑफ द लोकसभा, 100 इसमें लोकसभा के सांसद थे। As they clamored for statement by Union Home Minister Amit Shah,
तो क्लेमेंट उन्होंने शोरगुल किया कि यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, वो उसके अंदर अपना स्टेटमेंट दें ऑन ए ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। ब्रीच होता है चूक, तो सुरक्षा में चूक पर वो अपना क्या करें, बयान दें दैट इन्वॉल्व प्रोटेस्टर्स गेनिंग एंट्री इन टू द चेंबर ऑफ द लोकसभा ऑन December 13। 13 दिसंबर को जो संसद के हमले की वर्षगांठ भी थी, उस पर इसी पहले जो अटैक हुआ था सेम डे पर क्या है, एक संसद में सुरक्षा चूक हुई, उसमें कुछ लोग हैं जो लोकसभा के अंदर एंट्री कर जाते हैं, विरोधी लोग होते हैं, प्रोटेस्टर होते हैं, तो विरोध प्रदर्शनकारी है जो लोकसभा में एंट्री कर जाते हैं, तो चेंबर के अंदर वो चले जाते हैं। इस चूक पर वो गृह मंत्री का बयान मांग रहे हैं। सो द रिफ्ट लिंगर्स, ये जो रिफ्ट है, दरार है, ये बढ़ती जा रही है। एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे, जैसा कि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं राज्यसभा में, हैज रिटर्न टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति को एंड द राज्यसभा चेयरमैन, जो कि राज्यसभा के चेयरमैन भी है, जगदीप धनखड़, इन धनखड़ साहब को उन्होंने लिखा है क्या, टर्मिंग द सस्पेंशन ऑफ द ऑपोजिशन एमपीज एज प्री डिटरमाइंड एंड प्री मेडिटेटेड। अब खड़गे साहब ने उपराष्ट्रपति महोदय को, राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, उन्हें लिखा है कि ओपोजिशन के लीडर्स का जो सस्पेंशन किया जाना है, ये तो प्री डिटरमाइंड है, पहले से तय है, एंड प्री मेडिटेटेड, पहले से विचारित है, कि सत्ता पक्ष ने तय कर लिया था कि इतने लोगों को सस्पेंड करना है। कैसे, बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा, द एब्सेंस ऑफ एनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड वॉज एविडेंट। अब एप्लीकेशन ऑफ माइंड, इसमें दिमाग लगाने की अनुपस्थिति की बात है, वो एकदम स्पष्ट है, वॉज इविडेंट, ये स्पष्ट थी। मिस्टर खड़गे हैज रिटन, मिस्टर खड़गे ने लिखा है, उन्होंने अपनी बात में ये बात लिख के बताई है, रिकॉलिंग याद दिलाते हुए दैट एन एमपी, कि एक एमपी को हु वॉज नॉट इवन प्रेजेंट इन द लोकसभा, जो कि लोकसभा में उपस्थिति नहीं थे, भाई साहब अनुपस्थित थे, क्लास में नहीं थे, मास्टर जी ने उसका नाम भी काट दिया, ये तो वो बात हो गई, वॉज अमंग दोज हु सस्पेंडेड, ये भी उनमें शामिल थे जिनको निलंबित कर दिया गया। तो ठीक है, नेक्स्ट, द चेयर ऑफ द बोथ हाउसेज कुडेंट एंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ द सेशन। अगर किसी अनुपस्थित सांसद को भी निलंबित कर दिया जाए तो ये क्या है, चेयर्स ऑफ द बोथ हाउसेस कुडेंट एंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ द सेशन, तो ये तो इसका मतलब हुआ कि दोनों सदनों के जो चेयरपर्सन हैं वो सदन की कार्यवाही को सही तरीके से संचालित नहीं कर पा रहे हैं, ये ऐसा विपक्ष का आरोप है। अटेम्प्ट्स मेड बाय मिस्टर धनखड़ एंड द लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लेट द रिक्विसाइट इम्प्रीमेच्योर ऑफ द इम्पार्शियलिटी। अब जो प्रयास मिस्टर धनखड़ और ओम बिरला जी ने किए वो है जो एक रिक्विशेट जो जरूरी इम्प्रीमेच्योर होता है, निष्पक्षता की जो भावना होती है वो उसको नहीं बना पाए, रख पाए। सो इट वॉज इन द एब्सेंस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द अपोजिशन, तो ये विपक्ष के जो बहुमत है उसकी अनुपस्थिति में हुआ, अपोजिशन मेंबर्स दैट द गवर्नमेंट पास्ड न्यू लॉस, तो सरकार ने कुछ नए कानून पारित कर दिए, दैट री राइट द क्रिमिनल कोड ऑफ द कंट्री, और वो कानून भी ऐसे वैसे नहीं है, वो रीराइट कर रहे हैं, फिर से लिख रहे हैं, कौन सी, क्रिमिनल कोड ऑफ द कंट्री, देश की जो आपराधिक संहिता है उसको दोबारा लिख रहे हैं। आपको पता होगा, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, ये तीन काम हुए हैं, एक तो सीआरपीसी हुआ है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, तो इस सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS लेके आ रही है सरकार। एक और इसके अंदर हो रहा है जो IPC है, IPC की जगह है वो इंडियन पेनल्टी कोड है, उसकी जगह सरकार है जो नया कानून लेके आ रही है, तो IPC की जगह है भारतीय है जो न्याय संहिता लेके आ रही है, इंडियन एविडेंस एक्ट है उसकी जगह भी है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेके आ रही है, तो ये तीन कानून तो ये बड़े महत्वपूर्ण हो गए। दूसरा इसके अंदर है रेगुलेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, एक जो टेलीकम्युनिकेशन का रेगुलेशन, टेलीकॉम कंपनियों का नियंत्रण करने से संबंधित कानून है, और तीसरा है द अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति। अब नियुक्ति के अंदर पहले क्या है,
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल होते थे। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिया गया है, केवल गवर्नमेंट विपक्ष के नेता और सरकार का एक नियुक्त प्रतिनिधि शामिल होगा। कुल मिलाकर गवर्नमेंट की इसमें मेजोरिटी हो जाएगी, तो आने वाले समय में सरकार है जो अपने हिसाब से इलेक्शन कमीशन में व्यक्तियों का चयन कर पाएगी। तो इतने महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसमें विपक्ष का डिबेट में शामिल ना हो पाना वो उनके सस्पेंशन के कारण हो या अन्य कारणों से उचित नहीं है एडिटर्स के अनुसार। सो द कॉमन फीचर ऑफ दीज लॉज इज एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब ये इनका एक कॉमन फीचर है, एक साझी विशेषता है इन बातों कानूनों की, कि ये सब एक अप्रत्याशित वृद्धि कर देते हैं पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी पक्ष। देखो तीन पार्ट होते हैं हमारे लोकतंत्र के, चार पहिए होते हैं। एक तो चलो मीडिया तो अलग है, उसको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नमेंट होगी, कैबिनेट होगी, सरकार होगी, लेजिस्लेटिव सांसद हो गए, संसद हो गया, लोकसभा राज्यसभा हो गया, और एक जुडिशरी हो गया न्यायपालिका। तो सरकार के पक्ष को इसने बहुत ही ज्यादा उसकी ताकत में वृद्धि कर रहे हैं ये तीनों कानून। एंड इट इज नॉट ए कोइंसिडेंस, ये कोई संयोग नहीं है। कोइंसिडेंस का मतलब होता है संयोग, ये कोई संयोग नहीं है। दैट दे वर पास्ड विदाउट ए मीनिंगफुल पार्लियामेंट्री डिबेट, कि इन कानूनों को बिना कोई सार्थक संसदीय बहस के बिना पारित कर दिया गया। दैट टुक ऑन बोर्ड कंफ्लिक्टिंग व्यूज, और उन कानूनों में ऑन बोर्ड इसमें कुछ विरोधाभासी व्यूज थे, विचार थे। तो इन तीनों कानूनों से जो देश के हर नागरिक को प्रभावित करने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति है वो सभी को प्रभावित करेगी, टेलीकम्युनिकेशन है, आज कम्युनिकेशन का जमाना है, सबको प्रभावित करेगी, और जो तीन कानून है सीआरपीएससी वाले, तो ये न्याय संहिता है जो ये भी हर व्यक्ति को प्रभावित करेगी। तो इसमें है जो विपक्ष के बहस में शामिल होना बहुत ही जरूरी था। ओके, दूसरा, द गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड इवन द अपोजिशन डिमांड फॉर ए स्टेटमेंट ऑन द सिक्योरिटी ब्रीच। सरकार ने क्या किया, एक तो विपक्ष की जो मांग थी कि सुरक्षा में चूक पर वो अपना है जो स्टेटमेंट वक्तव्य जारी करे, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, सुरक्षा में चूक हुई है, इन्हें शो ऑफ ऑब्स्टिनेसी, और ये एक जिद के रूप में हुआ, दैट इक्वेट्स न्यूमेरिकल मेजोरिटी विद लॉजिकल एंड मॉरल इनफेलिबिलिटी। और वो इस बात को इक्वेट करता है कि आपके जो न्यूमेरिकल मेजोरिटी, आपका संख्या बल है पार्लियामेंट के हाउस में, और ये आपको तार्किक और नैतिक रूप से है जो इनफेलिबल ठहराता है कि आप तो अचूक हो, आपसे कोई गलती नहीं है क्योंकि आपके पास मेजोरिटी है। सो द गवर्नमेंट हैज ब्लेम्ड द ऑपोजिशन, सरकार ने विपक्ष पर आरोप लगाया है फॉर ब्रिंगिंग द सस्पेंशन अपॉन इटसेल्फ, कि जानबूझ करके विपक्ष ने अपने पर सस्पेंशन करवाया है। एंड दिस पोजिशन हैज बीन इकोड बाय द स्पीकर एंड चेयरमैन, और इस स्थिति को चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर द्वारा भी इको किया गया है, बताया गया है। सो द केस ऑफ द एलेज्ड मिमिक्री ऑफ मिस्टर धनखड़ बाय एन ऑपोजिशन एमपी वाज ए डिस्ट्रैक्शन, और एक सांसद द्वारा मिस्टर धनखड़ की मिमिक्री करना, नकल उतारना, ये एक है जो विपक्ष का एक डिस्ट्रैक्शन था, ध्यान भटकाने का तरीका था। दैट वाज कन्वीनिएंट फॉर द रूलिंग पार्टी, और वो जो सत्ताधारी दल के लिए बड़ा सुविधाजनक रहा, और इसके आड़ में उसने उनका काम कर दिया। मिस्टर धनखड़ हिमसेल्फ टोल्ड राज्यसभा दैट, मिस्टर धनखड़ ने राज्यसभा को बताया, स्वयं बताया हिमसेल्फ, दैट अलेज्ड मिमिक्री वाज एन इंसल्ट टू हिज कम्युनिटी, कि ये तथाकथित जो मिमिक्री है वो उनके समुदाय की है जो बेइज्जती है, इंसल्ट है। डिसमेइंग कोरिलेशन टू बी मेड बाई एनीवन, और इसका कोरिलेशन है सहसंबंध किसी द्वारा न जताते हुए, लेट अलोन ए लीगल ल्यूमिनरी सच एज हिमसेल्फ, और एक उस वो खुद जो बहुत ही बड़े प्रख्यात व्यक्ति हैं उनकी मिमिक्री करना। इट इज अनदर मैटर वेदर द ऑपोजिशन शुड हैव इन्वेस्टेड सो मच टाइम, तो एक दूसरी बात और है, क्या विपक्ष को इतना ज्यादा समय और एफर्ट, प्रयास है इस तरह के मैटर में लगाने चाहिए, इन आस्किंग फॉर ए डिबेट ऑन द सिक्योरिटी ब्रीच बाई ए फ्यू मिसगाइडेड यूथ, कि कुछ मिसगाइडेड हैं, भटके हुए युवा हैं जो गलत रास्ते पे चले गए, उनके द्वारा जो सुरक्षा ब्रीच की, तो उस पर क्या
विपक्ष को इतना ज्यादा समय देना चाहिए था? द इफेक्ट इफ नॉट द ऑब्जेक्टिव, अगर इसका प्रभाव ही मुख्य उद्देश्य नहीं था, ऑफ इट ऑल वॉज टू डीरेल द पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग, तो इसका प्रभाव यह होगा कि जो संसदीय जो फंक्शनिंग है, कार्य प्रणाली है, उसको डीरेल करना इसका मेन उद्देश्य था, बेपटरी करना उसका मेन उद्देश्य हो गया। एंड ऑब्टेन ए फ्री पास ऑफ द फॉर द एग्जीक्यूटिव, और है जो कार्यकारी के लिए यानी सरकार के लिए एक फ्री पास दे देना कि ठीक है तुम्हें जो मर्जी है सो करो, हम तो ऐसे ही करेंगे। तो लगता है विपक्ष ने यहाँ पर बड़ी कूटनीतिक गलती की है और सरकार को जानबूझ करके है जो कानून बनाने की है जो खुली छूट दे दी है। तो यहाँ जो विपक्ष को एडिटर्स का जो टोन ऑफ द पैसेज है वो ये है कि सरकार की चाल में न उलझ करके विपक्ष को है जो पार्लियामेंट में शांत रह करके उसे बहस में उलझाना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया। तो शायद हो सकता है इसका कारण विपक्ष को मिली हुई हार हो हाल ही के चुनावों में, लेकिन जो भी हो, जो घटनाएं जिस तरह से लेजिस्लेशन हुआ है वो प्रोसीजर तो ठीक है, लेकिन विपक्ष का डिबेट में शामिल न होना, कारण चाहे जो भी हो, एक संसदीय लोकतंत्र में अच्छी परंपरा नहीं कही जा सकती। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं, अब तक जितने भी एडिटोरियल्स अपने सेशन यहाँ हुए हैं उनमें से आपका एक है जो मेजर टेस्ट होने वाला है, देखते हैं उसकी जल्दी ही आपको एक डेट बता देंगे, उस पर आप अपने है जो इंग्लिश के वोकैब का टेस्ट होगा, OMR बेस्ड टेस्ट होगा, आप जो अपने स्कॉलर स्टडी सेंटर पर दे सकते हैं और ऐप पर आपको ऑनलाइन भी ये मिल जाएगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं CGL की तो आप हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बैचेज चलते रहते हैं, सुबह 9 से 1 बजे तक क्लासेज रहती है, इवनिंग में डाउट काउंटर्स रहते हैं। तो अगर आप अपना जो तैयारी कर रहे हैं CGL की, SSC फाउंडेशन की, तो अपनी तैयारी को परखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी पहली प्राथमिकता है। तो मिलते हैं कल एक और एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।